अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू बायोलॉजी। आज का मेरा न्यू व्लॉग है और इस तरह इंशाल्लाह आपको दरअसल नहीं मेरे न्यू व्लॉग देखने को मिलेंगे। ये है करम और ये है मूछा। ये मूछा का तो तो ये वेलकम हो गया मेरे न्यू व्लॉग में और इसी के साथ आप दराज देखेंगे मेरे व्लॉग में। एक्चुअली इंट्रो में दिन में ले रहा हूँ क्योंकि रात टाइम सही टाइम मौका नहीं मिला, वो लोग खपत नहीं डाल रहे थे और ये लोग भी मुझे इंट्रो नहीं लेने दे रही है। मेरा पता नहीं कोई पांचवा टेक है और कैमरे के अंदर से बाइक चला गया होगा, आई न्यू दैट। और बाकी आप आगे देखें क्या हो रहा है क्या नहीं। बाकी के पापा ने मैं सैरी करवाई थी, उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी चला गया। बाकी आप आगे देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब सब कुछ सुनना बताना यार, क्या मसला है? ये अभी नीचे गिरना था, उठा लो इसको। अभी ये लोग खा रहे हैं आप गोले वगैरह, आप खा रहे हैं। देखिए गली गाड़ी गंदी कर रहा है, वो सारा वो जूस गिर रहा है। और ये मोहित है और ये, और यहाँ पे तो फेमस गोले खाए जा रहे हैं। अभी ये मोहित का बन रहा है शरबत। कौन सा काम गलत है, इधर दिखाओ यार। यार ना यार, मेरा गोला क्या है? गोला उसने खा लिया। ये वाला मारा गोला मुझे तूने? नहीं, पूरा गोला। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? पानी में क्या पाता, क्या था ये सब, क्या हरकत हो रही है? ये पानी में कुछ डाल गया है, ये मदानी में चाटी फिर गई है। मदानी में चाटी फिर गई है। मुझे पता है मेरे व्लॉग में ना आवाज़ बहुत कम आती है क्योंकि मेरा फ़ोन का मसला है, इस वजह से उसका स्पीकर ख़राब है। तो आप लोग थोड़ा सा मुलायजा फरमा के एडजस्ट कर लें। ओके, तो ये ऐसे तैयार हो जैसे कि वलीमे पे जा रहा है और वो देखो चल रहा और मैं देखो प्यारा सा लग रहा हूँ। नहीं, थोड़ा सा नेवर माइंड, मुझे इग्नोर करो। अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो हम बताते हैं, कहाँ जा के सैरी कर रहे हैं वो आपको वहाँ पहुँच के बताते हैं। आज की जो सहरी है वो हम कर रहे हैं दावा सराय में। देखो वो सामने खड़े हैं सारे, यहाँ पर लोग सहरियाँ लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर चीज़ें बन रही हैं और ये लोग यहाँ खड़े होकर दूध पी रहे हैं। ये अंकल खड़े हुए हैं। ओके, हमें यहाँ पर अंकली मिल चुके हैं, इन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया और अभी हम यहाँ फैमिली हॉल आ चुके हैं और अभी यहाँ पर हम टेबल लगेगा, हमारा टेबल लग रहेगा। ये किसकी यादें हैं? बाबा ये ड्राइंग कर रहे हैं। बाबा देखिए तो यार, देखती यार, देखते कोई नहीं है। मैं लिखा है और मोहित मेरे साथ नाराज है। क्यों मखनी आ गई? ये लिखते लिखते तो बेचारे का बांडा फूटा था, दोबारा लिख के मुझे फिर भेजा। दोबारा बोली, दोबारा बोली, खाती रोटी ये अभी कुछ स्टार्टर आए हैं। चुका है मटन और वो पड़ चुका है मटन को और ये सारे ये मटन जाएगा इनके पास क्योंकि मैं खाता नहीं हूँ। ये आ चुका है मेरा सालन, ये है इन सब का सालन क्योंकि मैं मटन नहीं खाता, मैं चिकन खाता हूँ। आप ही ले लेना, लेकिन मेरा स्पेसिफिकली यही है। अब इस जनाब साहब ने वेटरिंग का काम भी स्टार्ट कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत तरक्की करेंगे। ऐसे लोगों को डाउन टू अर्थ कहते हैं और हम्बल कहते हैं। एग्जैक्टली, तारीफ कर रहा हूँ मैं आपकी। ये सारा क्लीन करके मैं सब, आप भाई राजना हम वेट कर रहे हैं आपका। अभी हम सब वॉक करके जा रहे हैं थोड़ा आगे तक क्योंकि अबू बकर और अनस गए हैं बाइक की चाबी लेने उधर से गाड़ी वाल मामा से, एक्चुअली जो गाड़ी में रह चुकी है जैकेट में। इस वक्त हम मौजूद हैं खयाम चौक, आप घोड़ों की निशानी देख सकते हैं। खयाम चौक के घोड़े बहुत मशहूर हैं भाई। मशहूर है तुम्हारा शीन सीन बन गया शीन मेरा। और हम इनके आज सबसे मतलब जब से हम देख रहे हैं इन घोड़ों को पहली बार हम करीब जा रहे हैं। ये चढ़ा, अभी हम जा रहे हैं ऊपर और एक ओए उधर फोटो सही बैठे हुए हैं। अरे कितने गलीजे देंगे, सारा ला दिया पीछे से भी और आगे से भी। ये जाहिल है, इनको बस चीजें वेस्ट करनी आती हैं। अब जा रहे हैं ये मुझे घर छोड़ने। अभी हम यहाँ लस्सी वगैरह पीने आए हैं। ये महा चिच्ची लाओ, थका हो गया हूँ मैं। महा चाचू लस्सी लाई,
अभी मैं यूनिवर्सिटी आया हूँ क्योंकि हम एक घंटे की क्लास लेने के लिए, जो आधे घंटे की क्लास ली है मैंने। वाह, वो बेचारे भाई हैं जो भी आए हैं, क्लास खत्म हो चुकी है। यार ये देखें गाइस, ये वही लड़का है जो मेरे पिछले व्लॉग में आया था। अभी अभी बाकी प्यारे लग रहे हैं फ्रेम में लोग। यार आप मशहूर हो जाओगे। हसन ये लो, ये आपकी भी, ये थोड़ी है। चलो कोई नहीं, आप ना इतनी फैन फॉलोइंग मेरी, बहुत प्यारे लग रहे हैं, क्या बात है। नीलम मुनीर की आठवीं कॉपी भी नहीं लग रहे तुम। यार मुझे नीलम मुनीर तो नाम यार, जेंडर भी चेंज कर दो। रोजे तुम रोजे में चॉकलेट खा रहे हो, कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। कर लेता हूँ ये देखे, मुझे आईडी मिलने लगे एक अदद बहन से। इतनी गुड़ी, इतनी गुड़ी हो गई। मुझे तो मैं दे दूँ अब तुम्हें। बाजी का सस्ता वॉलेट है मोबाइल के पीछे, क्या बात है। ये क्या बात है, ये देखिए दीदी, साड़ी दीदी है। ये तू सुबह के दे, तू ये 200 देगी, तू 200 दे, 300, हम राम तो रात तक अमीर हो जाएंगे। वो हो गई है ना बाजी, अब देखो हमारे पास 100 रुपया ईदी आ चुकी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ओके आपकी ईदी, ये मोहित साहब मुझे ईदी दे रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है। और अभी ये भाई मुझे ईदी देंगे, क्या बात है। ये 2000 इधर हो गया, इधर 2100 रुपया हो गया मेरे पास, पैसा ही पैसा हो गया। जेंटलमैन ये है हमारे यहाँ पर, हम आ गए हैं गोलों के पास। गोलों के पास ये शतूत लगे हुए हैं यहाँ पर, इफ यू गाइस कैन सी। ये खा नहीं सकते अभी हम, क्योंकि हमारा रोजा अभी। गोले गोले मतलब पंजाबी में, पंजाबी में इनको गोले कहते हैं। नाइस, ये देखिए स्तूत लगे हुए, अभी हम खा नहीं सकते हमारा रोजा, लेकिन हम इनको बख्शेंगे नहीं। किधर ले आए हो? कहाँ? आफ्टर रमजान। तो अभी मैं आ चुका हूँ घर पर, क्योंकि यूनिवर्सिटी में बहुत गर्मी और रोजा लग रहा था मुझे, तो इस तरह से मैं घर आ गया हूँ। और अभी क्या करने लगे हैं, अभी हम नहाने लगे हैं, जुम्मे की तैयारी करने लगे हैं। और मैं आज आपको दिखाता हूँ कि मैं पहनने क्या लगाऊँ। मैं प्रॉपर अरबी बुनने लगा हूँ, तो पहनने लगा हूँ। और मेरे पर टर्बन नहीं है, जो सर पर बांधते हैं वो हम ढूंढते हैं कि हमें कौन सी मिलती है, अगर घर में कोई पड़ी है तो, नहीं तो हम कैप पहन लेंगे। ओके तो ये है जी मेरी शो, और ये मिली है मुझे इसके साथ टर्बन। अब इसको बांधते कैसे हम यूट्यूब पे देखेंगे, बिकॉज मुझे नहीं आती बांधनी। तो प्रॉपर एक हम अरबिक स्टाइल में एक बंदा बनते हैं। ओके इस तरह जुमा पढ़ते हैं, मुझे पता है सब लोग आज मस्जिद में मुझे देखने वाले हैं, क्योंकि मैं एक अजीब अरबी बनने वाला हूँ। तो अभी मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ, जैसे आप देख रहे हैं मैंने ये सब पहन लिया है। अभी आपको प्रॉपर दिखाऊंगा मैं बाद में, जब मैं तैयार हो जाऊँगा, बाल शाल पहना लूँगा। और अभी तैयार होकर आपको मिलता हूँ, फिर हम चलते हैं जुमा पढ़ने, और फिर आके देखते हैं मैं क्या करना है। ओके ओके तो इधर मैं रेडी हो चुका हूँ, बाल शाल बन गए मेरे, क्रीम शीम लगा लिए मैंने, टॉप शॉप पहन लिया मैंने, अगर आप लोग देख सकते हैं ये मैंने पहन लिया है। जूते इग्नोर करना मेरे, क्योंकि वो मैंने अभी चेंज करना है, वो मैंने चेंज नहीं किया। और ये अजीब लग रहा है थोड़ा, पहली बार मैंने पहना है टर्बन, अभी मैंने लगाया टर्बन। जुमा पढ़ के आएंगे, फिर हम बांधेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे कि मैं उसमें कैसा लग रहा हूँ। ठीक है, चलो हम जुमा पढ़ने चलते हैं। आप बहुत दिन शामिल करो ना व्लॉग में, आप शामिल हो रहे हो। अभी हम जा रहे हैं जुमा पढ़ने। यहाँ मैंने पहन लिया टर्बन, अब मुझे नहीं पता मैं कैसा लग रहा हूँ। मैं आपको अपनी शक्ल दिखाता हूँ, 1 2 3 और ये अजीब लग रहा हूँ। आई स्टिल अंडरस्टैंड बट क्या करें, गेटअप तो करना था, पड़ा हुआ था ये तो वल्ला हबीबी काम करते पीछे से गलत बंदा आ गया, कोई बात नहीं, स्टिल वी आर गोइंग टू कैच इट अप। हबीबी उन शेख उन हबीबी उन मैं उन चंगा उन लगी उन पता नहीं बाय उन। ओके तो मैं ना सो गया था, क्योंकि बहुत नींद आई थी, मैं सही टाइम भी नहीं प्रॉपर सोया था, और सही से पहले भी नहीं सोया था, तो मैं जुमा पढ़ के आके सो गया था। और अब मैं उठ चुका हूँ, और अब देखते हैं नीचे जाके क्या तैयारियाँ चल रही हैं अफ्तारी की। ओके चलो आ देखते हैं। ये है चिकन चीज़ बॉल, बॉल कह रहा हूँ, क्या है बॉक्स, चिकन चीज़ बॉक्स।
ये हमारे रोल हैं, ये हमारे चावल हैं, और चावल हमने कौन से पकाए हैं, मटर वाले चावल, और साथ साथ ये पकौड़ों का सामान है जो मज़ेदार होगा। फिर उसके बाद ये आगे पापड़ी, चाट के लिए चाट किधर है, ये रही चाट, आज हम खाएंगे पापड़ी चाट। और आज पीने के लिए ये माशाल्लाह से लग चुकी थी अफ्तारी, यहाँ पर सारा सामान रख दिया था, हमने सेट कर दिया था। पीछे में वॉइस आपको नहीं सुना सकता बिकॉज ऑब्वियसली देसी फैमिली में रहते हैं। ये थी पापड़ी चाट, इतनी मज़ेदार लगी थी ना, मेरी खट्टी मीठी लाइक चस आ गई थी मुझे अफ्तारी की। ये मेरी मायो और वो चिकन पॉकेट्स पड़े हुए थे, इतने मज़ेदार थे ना। तो इसी के साथ आज का व्लॉग होता है ख़त्म। आई नो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ बिट लॉन्गर बिकॉज फ्रॉम सही टिल अफ्तारी इट इज़, फिर यूनिवर्सिटी का सर्कल और वो सारा कुछ। उम्मीद करता हूँ आपको मैं इस गेटअप में अच्छा लगाऊंगा। मैं थोड़ा अजीब फील कर रहा था बिकॉज आई वॉज द ओनली वन वेयरिंग दिस और सराउंडिंग में, तो थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था। बाकी डू लाइक शेयर कमेंट प्लीज़, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। अगर आप मुझे ईदी देना चाहते हैं तो आपको मैं कॉन्टैक्ट नंबर इंस्टाग्राम में, अगर आप जानते हैं वहाँ पे मुझे DM करें, मैं आपको नंबर भेजता हूँ। उस नंबर पे आप मुझे यू नो सादा पे ईदी पैसा कुछ भी आप कर सकते हैं। और अगर आप मुझे खूबसूरत ईदी देना चाहते हैं तो आप एक काम करें, मेरे सब्सक्राइबर्स कर दें 1K के अंदर अंदर ईद तक। क्या ही बात है यार, क्या मैं उछलूँगा, क्या बात है, मतलब क्या ही बात हो जी। ज़्यादा गहरी सोचों में चला गया था, चलें वापस आते हैं। ओके तो अल्लाह हाफिज़।